सर, आज आप आए हैं जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रजत 33 समारोह के अवसर पर। आप दो शब्द बताएं। मैं जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 25वीं वर्षगांठ के लिए यहाँ उपस्थित हुआ था। मैं जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ और इन्होंने हमें अवगत कराया कि ये लोग काफ़ी सामाजिक कार्यों में भी इन्वॉल्व रहते हैं। इस ये जानकर हमें काफ़ी अच्छा लगा और हम चाहेंगे कि ये लोग ऐसे ही सामाजिक कार्यों में लगे रहें और अपना जो सामाजिक दायित्व है उसको निर्वहन करते रहें। थैंक यू। हम लोग करने हमारे जितने भी मीडिया कर्मी हमारे यहाँ हैं, सभी लोगों से आग्रह है कि कोई नहीं जाएंगे, सभी लोग हैप्पी में चलेंगे। आप लोगों का सहयोग हमेशा से हमें बहुत अच्छा मिलता रहा है। सभी सचिव महोदय से आग्रह स्वागत किया जा रहा है, तो इस शुभ अवसर पर अपने दोनों हाथों को एक बार लहराते हुए जोरदार तालियों की सौहार्द। धन्यवाद। जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रजत जयंती प्रोग्राम में आप आए हैं सर, आपसे दो शब्द सुनेंगे सर। सबसे पहले तो मैं जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे रेल परिवार के रूप में आज आमंत्रित किया है यहां पे, और मुझे बहुत हार्दिक इच्छा इसलिए थी कि 2009-10 के समय में मैंने यहाँ पे कुछ वक्त बिताया था इस ज़िले में, तो जयनगर से मेरा वो संबंध उस अवधि से चल रहा है। और इतने प्यार भरे निमंत्रण के साथ जब मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मैं इस रजत जयंती पे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अपनी शुभकामनाएं ये देता हूँ कि ऐसी जयंतियाँ ढेर सारी आती रहें और मुकाम आप हासिल करें, और वो आप मुकाम हासिल कर रहे जो देश पे एक अलग तरीके से पताका फहरा सकें। सर, इतना दूर से मुजफ्फरपुर से आप चल करके आए, कोई असुविधा तो नहीं फील किया आप? कोई असुविधा किस बात की है, इतना प्यार भरा प्रेम ने खींच करके लाया सर। बिल्कुल एकदम सही बात। थैंक यू।